अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल SCE लर्निंग। QM का फीडबैक भी हमारे सामने आ चुका है। वैसे प्रीवियस फीडबैक भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जहां मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे। स्टूडेंट की वॉइस नोट सुनते हैं और देखते हैं कि पेपर किस तरह का था। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा यार, वो पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था, तकरीबन 10 मार्क्स का जो है मैट्रिसेस, सॉरी हाँ मैट्रिसेस में से आया था, और चैप्टर 9 के जो है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले, उनमें से थोड़ा ज़्यादा आया था। तकरीबन उसमें से 13 1 नंबर का आया था, और जो एनविटी में से आया था, एनविटी परपेचुटी और लीनियर प्रोग्रामिंग में से आया था 6-7 मार्क्स का, टेस्टिंग में से 2-3 मार्क्स का, और प्रोबेबिलिटी में से 4, और सिंपल मैथ में से थोड़ा सा आया था, ज़्यादा नहीं आया। बस इसी तरह का पेपर था, और जो 1-1 मार्क्स के जो थे ना MCQs, वो थोड़े ट्रिकी थे। जो 3 मार्क्स से थे वो सारे इजी थे, सिंपल सिंपल कैलकुलेटर में या फार्मूले में वैल्यूज पुट करके आ रहे थे। जो मतलब कि जो 1-1 नंबर के थे या 2 नंबर के थे, वो थोड़े से ट्रिकी थे। उसके अलावा जो सैम्पलिंग फ्रेम वगैरह ना, उनकी सारी टाइप्स का जाना, सीरीज का स्ट्रेटिफाइड कोटा ये वगैरह आप पढ़ जाना। उसके अलावा जो उनसे ये जो है आपके यार, ये रिग्रेशन में से, सॉरी मैं बताना भूल गया, रिग्रेशन में से आए थे 3 मार्क्स का 1 नंबर 1 क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 12 की जो टेबल है ना ओके, और ये इस तरह के जो है ना, ये सारे टेबल आप एक दफ़ा देख लेना, इनमें क्या क्या फंक्शन होते हैं। मतलब आपको जैसे ओगिव में फ्रीक्वेंसी वगैरह के बारे में होता है, और इसी तरह आप सारे कराना। और पेपर इतना मुश्किल नहीं था, और डाउट शायद की जो वो 195 पहले है ना MCQs, उसमें से आया था। अगेन वही बात, सरदोष यादव के असाइनमेंट में जो तकरीबन स्टार्टिंग में मिक्स क्वेश्चन है 200 के करीब, उनमें से आया हुआ था पेपर। मैंने आपको जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर भी यही बताया था कि उनको सबसे पहले करना है, उन चीज़ों पे ग्रिप करनी है। जो जो मैंने आपको बताया देख लें, वहीं से पेपर जो है टेस्ट किया हुआ है। मैंने अपनी की एरिया की वीडियो में भी उन्हीं बारों में जो है आपसे डिस्कशन की थी। इसके अलावा टेस्टिंग से, रिग्रेशन से, चैप्टर 11-12 से, डेरिवेटिव से, प्रोबेबिलिटी से, चैप्टर 9 से, एनविटी से, वही चीज़ें उसने जो है वो छेड़ी हैं। मैट्रिसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, मैट्रिसिस से, बाकी सिंपल मैथमेटिक्स से इतना नहीं पूछता है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन इजी होते हैं। अगर आप प्रीवियस फीडबैक देखें तो उसमें भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे, 2 मैंने जो आपसे डेरिवेटिव्स के लास्ट वीडियो में शेयर किए थे, इजी थे, और 1 मार्क्स वाले थोड़े से जो है कंसेप्चुअल थे। होप से वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं आज के पेपर से रिलेटेड, या किस कोई भी स्टूडेंट सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जो है वो दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से अप टू डेट रहें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके तमाम जो ये फीडबैक्स हैं उनको PDF फाइल में हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।